We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट हमने देखा स्ट्रेन एनर्जी पार्ट 1, जिसमें हमने किया स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन, कुछ रेजिलेंस और प्रूफ रेजिलेंस, मॉड्यूल ऑफ रेजिलेंस, ये सारी डेफिनेशन देखी और एक इक्वेशन किया था और एग्जांपल भी किया था, वो था ग्रेजुअल लोडिंग का। अब ये पार्ट 2 है, स्ट्रेन एनर्जी पार्ट 2। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग दो और एग्जाम्पल और दो और तरीके से स्ट्रेन एनर्जी वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जिसमें पहला है सडन लोडिंग और दूसरा है सॉफ्ट लोडिंग। तो सेल वी स्टार्ट। माय नेम इज़ पलक पटेल एंड आई एम वर्किंग इन द महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नवसारी इन सिविल डिपार्टमेंट। स्टार्ट। तो सेल एनर्जी ड्यू टू सडन लोडिंग, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ है सडन लोडिंग, ये समझो कि आपका ये एक सेकंड मिल गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए लास्ट हमने देखा ग्रेजुअल लोडिंग। ग्रेजुअल लोडिंग में क्या होता है कि ये पेन है तो मैं इस ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, इसे पुश कर रहा हूँ। ओके, तो ये पुश किस तरह से होगा कि जैसे मैंने ये पुश किया तो ग्रेजुअल लोडिंग में क्या होगा, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से धीरे धीरे इंक्रीज करके वो 10 तक जाएगा या 100 तक जाएगा या जितना लोड हमें लगाना है उस तक जाएगा। लेकिन सडन लोडिंग में क्या होगा, मैंने ये पुश किया और विद इन अ सेकंड ये सीधा 100 पर पहुँच गया, मतलब कि ये लोड सीधा पी तक पहुँच गया। ये देखिए, ये लोड डिफॉर्मेशन ग्राफ देखिए, यहाँ इस ग्राफ पे आपका पी लोडिंग 0 सेकंड के अंदर, मतलब टाइम चेंज भी नहीं हुआ और ये पी लोड तक पहुंच गया, जबकि ग्रेजुअली में क्या था हमारे पास, ये लाइन थी, मतलब कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, जैसे जैसे डिफॉर्मेशन हो रहा था इस लोड की, जिस तरह से लेंथ चेंज हो रही थी, मतलब डीएल चेंज हो रहा था, मतलब जिस तरह डीएल चेंज हो रहा था उस तरह से ये ग्रेजुअल लोडिंग में इंक्रीज हो रहा था। लेकिन सडन लोडिंग में क्या होता है, ये सीधा इंक्रीमेंट दिखता है हमें। ओके, समझ में आ गया, इतना ही चेंज है इसके अंदर। मतलब अगर मैं, मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो ये पूरा एरिया कैलकुलेट होगा, जबकि ग्रेजुअल लोडिंग में क्या हो रहा था, हम ट्राइंगल ले रहे थे, ये ट्राइंगल ले रहे थे, यहाँ ये स्क्वायर ले रहा जाएगा। अब रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन ग्राफ सेम आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि हर बार रेजिस्टेंस इसी तरह से इंक्रीज होगा एवरी टाइम, और जिस तरह से हमारी लेंथ चेंज होगी उसी तरह से रेजिलेंस भी, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ओके, तो इसी ग्राफ के मुताबिक हम अब स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन डिफाइन करेंगे। अब ये देखिए, सेम मेथड, कोई चेंजेस नहीं है, वर्क डन बाय अ लोड ऑन अ बार जो हमने पहले किया था, पहले में क्या था हमारा, एरिया ऑफ लोड डिफॉर्मेशन ग्राफ, ये लोड डिफॉर्मेशन ग्राफ का एरिया, इसका एरिया, इस ग्राफ का एरिया, पहले में ट्राइंगल था, इसमें क्यू स्क्वायर है तो पी इंटू डेल आएगा, ये होगा हमारा इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन है वर्क स्टोर्ड इन अ बार, मतलब कि ये सब सेकंड ग्राफ, ये ट्राइंगल है, सेम इक्वेशन 1/2 आर इंटू डेल एल, आर है हमारा रेजिलेंस, आर हमारा रेजिलेंस है और डेल है हमारा डिफॉर्मेशन है लेंथ, वहाँ हम आर की जगह क्या देख इक्वेशन पुट कर रहे हैं,
पेन होती ना थोड़ा आसान हो जाता, अभी पेन आई नहीं है मेरे पास, माउस का इस्तेमाल करूँ इसलिए ये सही से नहीं हो रहा। ये देखिए सिग्मा मतलब स्ट्रेस, ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेंबर, तो आर की जगह हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन टू हमारा हो गया, वन ऑफ सिग्मा ए इंटू टेल एल। नेक्स्ट है हमारा सेम, देखिए जो हमने ग्रेजुअली में किया वही सेम मैटर सडन लोडिंग में इस्तेमाल होगी। वर्क डन बाय अ लोड, वर्क स्टोर्ड इन अ मेंबर, दोनों सेम है मतलब इक्वेशन वन इसको टू इक्वेशन टू, पी इंटू डेल एल हमारा इक्वेशन है, ये क्या है वन ऑफ सिग्मा ए सिग्मा वन ऑफ इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू डेल एल, ये हमारा डेल एल दोनों डिक्लेट हो जाएगा। इक्वेशन क्या बना हमारा पी इंटू वन ऑफ सिग्मा इंटू ए, हम स्ट्रेस के सेंस में हम ये इक्वेशन बना रहे हैं, मतलब स्ट्रेस को हम इक्वल टू करें, मतलब स्ट्रेस इक्वल टू ट्वाइस पी अपॉन ए। अब हमारा ग्रेजुअल लोडिंग का इक्वेशन क्या था, स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाय ए, यहाँ क्या हो गया ट्वाइस पी बाय ए, मतलब नोट्स देखिए टू इंटू स्ट्रेस बाई ग्रेजुअल लोडिंग, मतलब ग्रेजुअल लोडिंग से हम ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी स्ट्रेस क्या आएगी बाई सडन लोडिंग। सेम सेकंड नोट्स देखिए, फोर मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन एनर्जी बाय ग्रेजुअल लोडिंग, फोर्थ टाइम मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं यहाँ की स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करता हूँ ग्रेजुअल लोडिंग से तो उस ग्रेजुअल लोडिंग को मल्टीप्लाई बाई फोर्थ करूँगा, मतलब इसे चार से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या आएगी स्ट्रेन एनर्जी बाई सडन लोडिंग। अब यहाँ ये नहीं इक्वेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक सेकंड सॉरी सुनो, तो यह ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है हमारा पीछे जो नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रेजुअल लोडिंग अगर मैं ले रहा हूँ कि 100 किलो न्यूटन ग्रेजुअल लोडिंग है, मतलब ग्रेजुअल लोड इंक्रीज होते 100 तक जा रहा है तो हमारा सडन लोडिंग भी 100 होना चाहिए, तब ये दो कंडीशन जो हमारी है ये जो नोट्स दो दिए हुए हैं ये दोनों नोट्स सेटिस्फाई होगी। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ ट्वाइस आ रहा है तो यहाँ पे फोर्थ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे स्ट्रेन के इक्वेशन में स्ट्रेन एनर्जी इक्वेशन में हमारा स्ट्रेस स्क्वायर में है, हमने एग्जांपल किया है इस बारे में ग्रेजुअली, हम वापस एग्जांपल करके तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। समझ में आ गया, बस हमारा इक्वेशन कहाँ चेंज हो रहा है, सिर्फ स्ट्रेस का इक्वेशन चेंज होगा, सडन लोडिंग शॉक लोडिंग इम्पैक्ट लोडिंग सिर्फ हमारा स्ट्रेस का इक्वेशन चेंज होगा बाकी सब सेम। ओके तो नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, अब एक्सियल पुल है 100 किलो न्यूटन का अप्लाइड सडनली, मतलब इसके ऊपर मैं सडनली अप्लाई कर रहा हूँ, स्टील बार है 2 मीटर लॉन्ग 1000 mm स्क्वायर इन अ क्रॉस सेक्शन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, हमें क्या फाइंड करना है स्ट्रेस फाइंड करनी है, स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करनी है और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस फाइंड करना है। ओके अब हम इसमें गिवन डेटा लेते हैं, गिवन डेटा में फर्स्ट हमारा है फोर्स पी, पी हमारा है 100 किलो न्यूटन, इसे हम चेंज कर रहे हैं, मतलब हमें इसे चाहिए यूनिट न्यूटन में 100 इंटू 10^3 न्यूटन, हमारी लेंथ है 2 मीटर, मतलब इसे हम एमएम में चेंज करेंगे तो कितनी होगी 2000 mm, 2 × 10^3 मीन्स 2000, हमारा एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया
क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारा, MM2। नेक्स्ट हमने दिया है इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, मींस ई दिया हुआ है हमें। ई दिया हुआ है हमारे, किस पे चेंज करना है, हमें चाहिए न्यूटन और एमएम में, तो हम इस 200 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 23 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, सिंपल है, गिवन डेटा मिल गया हमें। अब हम फाइंड करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए हमें चाहिए सिग्मा, हमने अभी अभी उसका इक्वेशन डिफाइन किया, स्ट्रेस का इक्वेशन ये रहा ट्वाइस पी अपॉन ए। हमें क्या रखना है यहाँ पे, इक्वेशन रखिए ट्वाइस पी अपॉन ए। अब हम इसे वैल्यू पुट करेंगे, पी की वैल्यू कितनी है और ए की वैल्यू कितनी है। पी की वैल्यू देखिए 1000 और ए की वैल्यू है 100 है और ए की वैल्यू है 1000 बाई एरिया है 1000। तो हमारी वैल्यू आई 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी इक्वेशन है यू, यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन कभी चेंज नहीं होगा, यही रहेगा हर बार, बस चेंज कहा आएगा हमारा स्ट्रेस पे इनटू बी। अभी अभी हमने स्ट्रेस फाइंड किया, कितना हुआ 200, हमारे पास ए है 1000, ई है 200 इंटू 3, एल इंटू ए मीन्स हमारा क्या होगा वी आ जाएगा। L इंटू ए करेंगे मतलब हमारा V हो जाएगा। ओके, मतलब हमारा इसका इक्वेशन 200 होल स्क्वायर डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाय एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया 1000 इंटू लेंथ, ये हो गया हमारी 2000। और ध्यान दीजिए यहाँ पे ये है हमारा एरिया है और ये हमारी लेंथ है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मतलब मैं ये कहूँ V इज इक्वल टू एल। ओके, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अब कैलकुलेट करना है हमें 200 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 200 इनटू 10 रेस्ट टू 3
a divide here. So once again we can try 200 divide by 200 10 raised to 3. Okay. 0.1 100,000 to 2,000. मतलब हमारी वैल्यू आई 2 lakh. वैल्यू आई हमारी न्यूटन. अब हम कन्वर्ट करते हैं इसे न्यूटन इनटू मीटर. मतलब 2 lakh डिवाइड बाय 10 raised to 3 ये वैल्यू हो गई हमारी 200 जूल. ये आ गया आपका स्ट्रेन एनर्जी आ गई. अब नेक्स्ट फाइंड करना है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस. मतलब हमें फाइंड करना है एम ओ आर. मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस की डेफिनेशन याद है एक बार रिवाइज करवा दो. मतलब ये जो स्ट्रेन एनर्जी आई हमारी ये 200 जूल को, उसे डिवाइड करना है वॉल्यूम से. मतलब क्या हो रहा है कि इस पर जितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है उसे पर वॉल्यूम में कितनी आएगी वो हमें कैलकुलेट करना है. वो होती है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस. मतलब कि इस पेन के अंदर अगर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर है 200 जूल तो उसे डिवाइड करूँगा बाई वॉल्यूम. तो जो एक वैल्यू आएगी वो होगी हमारी मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस. ये होगी हमारा मतलब ये स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e मल्टीप्लाई बाय v. ये देखिए मल्टीप्लाई बाय v डिवाइड बाय v. मतलब यही इक्वेशन आ जाएगा हमारा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e ही आ जाएगा. मतलब इसमें कुछ नहीं करना है. मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस सिग्मा स्क्वायर हमारा स्ट्रेस कितना है 200 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू ई. वो क्या हमारा 200 इनटू 10 रेस टू 3. सो अब हम फाइंड कर रहे हैं 200 होल स्क्वायर by 2 into 10 raised to 3 मतलब हमारी वैल्यू आई 0.1 न्यूटन क्यूब. तीनों चीज़ें फाइंड करी हमने. क्या फाइंड करना था? स्ट्रेस फाइंड करनी थी, स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करनी था, मॉड्यूलस रेजिलेंस फाइंड करना था. हमें स्ट्रेस मिल गई 200 न्यूटन पर एमएस स्क्वायर, स्ट्रेन एनर्जी भी मिल गई 200 जूल, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस भी मिल गया 0.1 न्यूटन एमएम पर एमएम क्यूब. अब नेक्स्ट चैप्टर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शॉक लोडिंग. अब शॉक लोडिंग मीन्स क्या है कि अगर ये पैन है मैं इसके अंदर से कोई एनर्जी पास करवा रहा हूँ, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी इस पैन के अंदर से पास हो रही है, तो ये पैन जो एनर्जी स्टोर करेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करेगी या उसे एब्जॉर्ब करेगी, मेंबर जो स्टोर और एब्जॉर्ब करेगी जो भी एनर्जी इस पैन के अंदर या इस मेंबर के अंदर जो भी एब्जॉर्ब होगी
उस एनर्जी को हम करेंगे स्ट्रेन एनर्जी। मतलब स्ट्रेन एनर्जी कोई अलग टाइप नहीं है, बस ये है कि इस पैन के अंदर कोई एनर्जी स्टोर हो रही है, समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगी, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी इस पैन के अंदर या किस तरह से स्टोर हो जाएगी, तो उसे करेंगे हम स्ट्रेन एनर्जी। तो सिंपल है, यहाँ देखिए वर्क सप्लाई बाय अ शॉक, तो वो क्या होगा यू, मतलब सिंपल है, मतलब एनर्जी पास की स्टोर हो गई, कोई स्ट्रेस कुछ भी नहीं करना है, बस जितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी वो होगी हमारी यू, सिंपल है। मतलब जो एब्जॉर्ब हो रही है, जो शॉक एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो सीधा हमारी स्ट्रेन एनर्जी है, कुछ नहीं है, वो कुछ और नहीं है। शॉक की वजह से जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी एब्जॉर्ब होगी वो हमारी स्ट्रेन एनर्जी है, सिंपल है। ये हमारा इक्वेशन वन है, मतलब कि अब जो हम यहाँ हम एरिया की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो रही थी पी बाई डेल एल की वजह से हम जो स्ट्रेस फाइंड कर रहे थे, जो हम ये इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी का, ये इक्वेशन ये वाला इक्वेशन जो हम यूज़ कर रहे थे हमारी स्ट्रेन एनर्जी के लिए, वो सीधा सीधा लगेगा यहाँ पर शॉक एनर्जी में, समझ में आ गया। मतलब हमारा यू है सीधा स्टोर हो रहा है। अब हम बात करें वर्क स्टोर इन अ बार, वो सेम है इक्वेशन टू हमारा, वन हाफ सिग्मा इंटू ए इंटू डेल एल, सिंपल है। अब हम दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे, ये देखिए हमारा ये इक्वेशन आ गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थ्री। अब मुझे ये बताओ कि अब आपको स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन सीधा मिल गया, लेकिन ये डेल एल है, ये वैल्यू कहाँ से लाओगे, मतलब इसके अंदर होने वाला डिफॉर्मेशन, इसके अंदर होने वाली जो लेंथ की चेंजेस होगी वो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो वो डिपेंड करता है हमारे ये स्ट्रेस लेंथ और ये हमारा ई, मतलब हमारे इलास्टिसिटी ऑफ मॉड्यूलस के ऊपर हमारा ये इक्वेशन डिपेंड करता है। मतलब हमारी डेल एल किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रेस लेंथ है और इलास्टिसिटी ऑफ मॉड्यूलस, इसके ऊपर हमारी स्ट्रेन एनर्जी इफेक्ट करती है। इतना चीज़ है कि जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, मतलब हमारी डेल एल मतलब चेंज होने वाली लेंथ, जो लेंथ चेंज होगी वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो हमें वही इक्वेशन डेल एल में लगता है डालना है, ये देखिए डेल एल इक्वेशन थ्री के अंदर हम इक्वेशन डाल रहे हैं, तो यू वन हाफ स्ट्रेस सिग्मा ए इंटू सिग्मा एल अपॉन, हम इसे अब शॉर्ट करते हैं, मतलब और ज़्यादा सिंपल बनाते, तो ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ई इंटू ए इंटू एल। अब ए इंटू एल क्या होगा हमारा, ये इंटू एल हमारा वी होगा, सेम इक्वेशन स्ट्रेस का सेम इक्वेशन आ गया, स्ट्रेन एनर्जी का सेम इक्वेशन आ गया, कोई चेंजेस नहीं है। मैं पहले ही बोला है कि स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ आपका चेंज होगा स्ट्रेस में। तो हम इसमें सीधा एग्जांपल करें, इस पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो आप एग्जांपल देख रहे हैं, स्टील रोड 50 एमएम डायमीटर स्टील रोड है, 50 एमएम डायमीटर है उसकी, 1 मीटर लॉन्ग, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल एनर्जी लोड ऑफ 4.5 जूल। ये क्या दिया है आपको, 4.5 जूल दिया हुआ है आपकी, सीधी स्ट्रेन एनर्जी दी हुई है, सीधी की सीधी आपकी स्ट्रेन एनर्जी दी हुई है, और हमें डिटरमाइन क्या करना है, मैक्सिमम स्ट्रेस। अब हम इसे गिवन डेटा एनालाइज कर रहे हैं, इसका गिवन डेटा हम अलग कर रहे हैं, गिवन डेटा में पहले हमें दिया हुआ है डायमीटर, मतलब डी दिया हुआ है, मतलब कि इस पैन का अगर हमें अभी जब जो क्रॉस सेक्शन दिया था उसकी जगह हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो
डायमीटर ये हुआ हमारा 50 mm का, 50 mm का डायमीटर दिया हुआ, लेंथ दी हुई है हमारी 1 मीटर की, वन मीटर लेंथ दी हुई है। अब इस 1 मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, mm में। हमें यूनिट हमेशा न्यूटन और mm में चाहिए, तो इसका यूनिट हो गया 1000 mm। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ओके, 1000 mm लेंथ दी हुई है, एनर्जी स्टोर हो रही है, मतलब जो एनर्जी स्टोर हो रही है मतलब हमें क्या दिया है, सीधी स्ट्रेस दिया हुआ, स्ट्रेन एनर्जी दी हुई है यहाँ पे, मतलब हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है, 4.5 जूल दिया। अब ये जूल को हम समझते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, अब मैं इसे जूल को न्यूटन पर यूनिट कन्वर्ट करूँगा तो वो होगा हमारा न्यूटन इंटू मीटर। हमें चाहिए किस में, 10^3 न्यूटन mm। हमें इक्वेशन, हमें हमेशा यूनिट हमें न्यूटन और एमएम में लाना है, मतलब जूल होगा 4.5 × 10^3 न्यूटन एमएम। हमें अब नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा ई दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, स्ट्रेस फाइंड करना है, हमें स्ट्रेस फाइंड करना है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड ले रहे हैं, हमें फाइंड करना है स्ट्रेस। अब शॉक लोडिंग हमें सीधा स्ट्रेस का इक्वेशन नहीं दिया हुआ, हमें इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना होगा, स्ट्रेन एनर्जी का, सिग्मा स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, एक अब यहाँ वी को हम ए इंटू एल होगा हमारा। अब हमें यहाँ ए नहीं दिया हुआ है, ए की जगह क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, मतलब हमें ए फाइंड करना होगा। यहाँ डायमीटर दिया है, स्टील रोड है, डायमीटर है मतलब सर्कुलर है, सर्कुलर का डायमीटर क्या आएगा, पाई बाई 4। डायमीटर के हिसाब से इसका बी स्क्वायर, इसे हमें एरिया मिलेगा, की वैल्यू दी हुई है 50 π/4 इंटू 50 होल स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं हम इसे, यहाँ π/4 इंटू 50 होल स्क्वायर 1963.439। इसे राउंड फिगर में ले लेते हैं, 1963 mm², एरिया आ गया, एरिया यहाँ रखना है 1963 इंटू लेंथ है हमारी 1000 ही है ना, 1000 mm
मैं इसे अभी मल्टीप्लाई नहीं करने वाला, हम यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास यू की वैल्यू है, स्ट्रेस फाइंड करना है। यू की वैल्यू क्या है? 4.5 इंटू 10^3 सिग्मा स्क्वायर। हमें स्ट्रेस फाइंड करना है 2। अब 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? ई की वैल्यू है 2 × 10^5। सीधा न्यूटन इंटू एमएम में दिया, मतलब कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है। ई की वैल्यू का यूनिट देखा आपने, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये मतलब कुछ चेंज नहीं करना है, सीधा रख दो। और V की वैल्यू क्या है? 1963 × 1000। अब मैं यहाँ सिग्मा स्क्वायर को फाइंड करना है तो उसे उस तरह से रख रहा हूँ, मतलब यहाँ होगा 4.5 × 10^3 × 2 × 2 × 10^5 / 1963 1000। हमें फाइंड करना है स्ट्रेस। ओके, कैलकुलेट करते हैं, 4.5 × 10^5 सॉरी यार, ये 10^2 क्यों नहीं आ रहा है? 4.5 5 / 1000 / 1963 916 स्क्वायर में है। हमें इसका क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है, मतलब 30.28। वैल्यू क्या आई हमारी? 30.28 न्यूटन। स्ट्रेस फाइंड करना था, कर लिया। देखिए हमें फाइंड क्या करना था, स्ट्रेस सिग्मा हमारा मिल गया। सो अब हमारा शायद कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम कंप्लीट हो, नेक्स्ट हमारा आएगा इम्पैक्ट लोडिंग, उसमें पूरी स्लाइड आएगी, क्योंकि इम्पैक्ट लोडिंग बहुत बड़ा एरिया है, बहुत अलग अलग तरह के एग्जाम्पल आते हैं, तो शायद उसमें हम 2-3 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करेंगे, उसमें टाइम जाएगा। शायद मुझे लगता है उसमें Part 3 और Part 4 भी इम्पैक्ट लोडिंग में ही चला जाएगा। उसके बाद फ्रैक्चर लोडिंग, मतलब बेंडिंग वाला भी आएगा, उसमें भी हमारा ज़्यादा टाइम जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी के बाद हम कौन सा चैप्टर लेंगे, शायद आर्चेस एंड ब्रिजेस लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन पहले स्ट्रेन एनर्जी कम्प्लीट हो जाए। तो अब घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। अब सक्सेस के लिए कोई एलिवेटर नहीं है, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, कोई शॉर्टकट नहीं है। समझ में आया?
There is no shortcut. You have to take a stairs. बहुत ज़्यादा है। विजेम कैसा लगा आपको? अब हर स्लाइड कैंडी कैसे ही होगी? ओके, अब हर स्लाइड कैंडी कैसे ही होगी? मतलब यहाँ का एक मोटिवेशन कोटा होगा, स्टे होम स्टे सेफ का टाइटल होगा, और एक ऐसा एक साउथ इंडियन का विजेम होगा जो बहुत ही यूनिक रहता है, कई सारे लोगों को पसंद भी आता है, कई मेरी तो पर्सनली म्यूजिक है ऐसी। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ।